स्टूडेंट्स हाउ यू बेटा टुडे वी आर गोइंग टू चैप्टर नंबर 11 ओके अगेन वी आर कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 11 वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड टू पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर 11 ओके टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेसिडेंट इन प्रीवियस चैप्टर और सॉरी इन प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द थ्री नेम्स ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज लोकसभा राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा वी ऑलरेडी हैव डिस्कस ओके टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रेसिडेंट ओके अब आज हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे प्रेसिडेंट क्या होता है बेटा प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति ठीक है जो हमारे पूरे नेशन का पूरे देश का जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति ठीक है अब वो चुना कैसे जाता है उसको कौन इलेक्ट करता है क्या मैंने आपको बताया था कि सरकार चुनते हैं हम लोग क्या हम जो सिंपल वोट करते हैं उसी से राष्ट्रपति चुनते हैं नहीं जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं इन तीनों के जो मेंबर्स होते हैं वो मिलकर के किसकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट की नियुक्ति करते हैं ठीक है किसकी नियुक्ति करते हैं किसको चुनते हैं प्रेसिडेंट को चुनते हैं अब जो प्रेसिडेंट होता है उसका जो कार्यकाल होता है टाइम ड्यूरेशन होता है उसका काम संभालने का एक बार अगर जैसे उसको चुन गया तो वो कितने साल तक काम करता है 5 साल तक 5 ईयर्स तक उसका टाइम पीरियड कितना होता है 5 ईयर्स तक के लिए और वो अपने देश का क्या होता है हेड होता है सबसे बड़ा जो इंसान माना जाता है पूरे यानी राजा माना जाता है जो जैसे पहले होते थे ना राजा महाराजा कि कोई भी प्रांत का सबसे बड़ा इंसान कौन होता था राजा होता था तो ऐसे ही एक तरीके से जो प्रेसिडेंट होते हैं वो राजा होते हैं किसी भी देश के राजा होते हैं ठीक है हेड ऑफ द होल कंट्री क्या बोलते हैं इसको हेड बोलते हैं पूरी देश का ही इनवाइट्स द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी टू वर्क एज प्राइम मिनिस्टर अब जो प्रेसिडेंट है इसकी नियुक्ति तो कर दी इन लोगों ने मिलके जो इसके मेंबर्स होते हैं लोकसभा राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अब जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या करता है कि जो भी पार्टी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं उन पार्टी के जो सबसे बड़ा जो लीडर होता है उसको बुलाता है और उसको क्या करता है वो चुनता है क्या चुनता है एज ए प्राइम मिनिस्टर ठीक है यानी प्राइम मिनिस्टर को कौन नियुक्त करता है प्रेसिडेंट करता है ठीक है किसमें से जो विनिंग पार्टीज होती हैं अब जब कभी भी चुनाव होते हैं तो सिर्फ एक ही पार्टी तो नहीं खड़ी होती कि उसको आपने वोट दिया और वो जीत गई नो बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज होती हैं कुछ वोट्स दूसरी पार्टी में दूसरी में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो पार्टी जीतती है ठीक है पूरे ऑल ओवर द इंडिया में ठीक है पूरे भारत देश में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं ठीक है स्टेट्स और यूटीज में मिला के जो पार्टी सबसे ज़्यादा जीतती है ज़्यादा स्टेट्स में रूप में तो उन्हीं के किसी लीडर को एज ए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया जाता है किसके द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा ओके प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर फॉर्म यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अब जो प्रधानमंत्री होते हैं और बाकी के जो क्या होते हैं मिनिस्टर्स होते हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं फॉर्म यानी बनाना क्या बनाना यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं ठीक है जो बाकी के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो और प्राइम मिनिस्टर मिलकर एक यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना लेते हैं जिसका काम क्या होता है क्या काम होता है ये जो काउंसिल बनाई जाती है केंद्र सरकार द्वारा तो ये क्या कर रहे हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं दे रन द यूनियन गवर्नमेंट सबसे पहला काम होता है इनका कि जो यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार होती है उसको चलाने में मदद करते हैं दूसरी बात ये रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट में जो भी काम है वो सही तरीके से बिल्कुल सही तरीके से हो सके उसका काम भी किसका होता है इसी काउंसिल का होता है जो ये काउंसिल बनाई जाती है यही इस चीज़ की देख रेख करती है कि जो भी पार्लियामेंट में सभाएं जो होती हैं सेशन होते हैं उनमें ठीक तरीके से काम होता है या नहीं होता है ओके अब बारी आती है कोर्ट न्यायालय जहाँ पे क्या किया जाता है कोर्ट के बारे में सुना है आपने क्या सुना है कि जो कोर्ट होता है जैसे कोई अपराधी होता है दोषी होता है ना
उसको क्या किया जाता है, पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया जाता है, उस पर केस चलता है, उस केस में उसने क्या क्राइम किया है उसके अकॉर्डिंग उसको सजा मिलती है, राइट। तो हमारे देश का जो इंडिया भारत देश है उसका सबसे बड़ा जो हाईएस्ट कोर्ट है, सबसे ऊंचा जो कोर्ट है वो कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। सबसे बड़ा कोर्ट किसको माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट को। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला ले लिया जाता है जजेस द्वारा, उस फैसले को कोई भी दूसरे कोर्ट में कैंसिल या अपोज नहीं किया जा सकता, उसको कोई भी अपोज नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, इनमें अगर जैसे किसी अपराधी के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ अपने न्याय के लिए किसी ने अर्जी लगाई और उसमें जो फैसला आया उससे अगर कोई संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो दूसरे कोर्ट में अर्जी दे देता है, उससे नहीं है स्टेट लेवल पर दे देगा, स्टेट से नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इन चीज़ों में चलता है, ठीक है। लेकिन जो केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे दिया उसको कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता है, उसके खिलाफ कोई भी अर्जी नहीं लेगा। फिर अब जो ये सुप्रीम कोर्ट होता है, इसके जो जजेस होते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट होता है इसके जो जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनको कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट का मतलब होता है राज्य की जो सरकार होती है, ठीक है। राज्य सरकार जो होती है वो अपने प्रदेश में, अपने राज्य में ठीक ढंग से काम करती है, किसको लेकर के, कि भाई वहाँ के जो लोग हैं उनके वेलफेयर के बारे में, उन लोगों के अच्छे के लिए, उनकी प्रोग्रेस, उनकी उन्नति, अच्छी सड़कें, रोड, जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, जल की सुविधा उपलब्ध करवाना, इरीगेशन के लिए पानी, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना, ठीक है, अच्छे से एग्रीकल्चर में हेल्प करना, एजुकेशन में हेल्प करना, ये सारा काम किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। यानी एक राज्य में अपने काम को ऑपरेट करने के लिए कौन करता है, ऑपरेट गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। अब कुछ एक ऐसी सिचुएशन भी होती है जब स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत होती है, जैसे अभी क्या चल रहा है, कोविड चल रहा है, तो कोविड में कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं, कुछ जब कोई भी ऐसी क्राइस आ जाती है, यानी ऐसी महामारी आ गई या कुछ भी ऐसा हो गया, तो उसमें किसकी जरूरत होती है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, ओके।